नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार रंजीत ब्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप बहुत ही इंटरेस्टिंग फंड के बारे में जानकारी मिलने वाली है कि अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने किस एज में SIP करना स्टार्ट करेंगे ताकि आप 60 साल की उम्र में करोड़पति बन जाएँ और एक ऐसा लमसम अमाउंट आपको मिले जिससे कि आने वाले समय में बहुत ही अच्छे से आप बची हुई अपनी ज़िंदगी को जी सकें। क्योंकि हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसके पास अच्छा पैसा हो, करोड़पति हो, ताकि वो ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकें। तो दोस्तों, ये पूरी वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा दें ताकि आगे भी इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियोज़ जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। दोस्तों, हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है लेकिन उसे ये नहीं समझ में आता कि किस इन्वेस्टमेंट के अंदर या किस मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट पे वो अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें जिससे कि समय के साथ में जो इन्फ्लेशन रेट चल रहे हैं उसी के समय उसको आने वाले टाइम में रिटर्न भी मिले, ताकि उसकी जो सेविंग है जो आज वो कर रहा है आने वाले समय में उसके हिसाब से उसको रिटर्न भी मिल सके। क्योंकि अगर आपने किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया जहां पर उसका इन्फ्लेशन रेट काफ़ी डाउन है लेकिन महंगाई दर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट की जब मैच्योरिटी होगी उस समय जो भी आपको लमसम अमाउंट मिलेगा उसका कोई भी यूज़ आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतना फंड आपके पास होगा नहीं जिससे कि आप अपने ज़रूरत के हिसाब के चीज़ों के अंदर उसका इन्वेस्टमेंट कर सकें और अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर तरीके से जी सकें। तो अगर अभी के तौर में अगर आप देखेंगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड और SIP। दोनों के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं देन आपको अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा सा ये रिस्की होता है कि आपको अपने नॉलेज के हिसाब से फंड को चूज़ करना होगा। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा पर्टिकुलर किसी एक ही कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा और देन उसके बाद जो भी उसमें रिटर्न्स मिलता है वहाँ पर आपको पूरा पैसा के हिसाब से रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और आपको इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप सिस्टोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं इनिशियली। यहाँ पर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी आप फंड डिसाइड करके इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं, उसका जो पूरा पैसा होगा एक पूल के अंदर इन्वेस्ट होगा और उस कंपनी के जो AMC के फंड मैनेजर हैं जो कि उस फील्ड के अच्छे मास्टर्स होते हैं वो उनके द्वारा अलग अलग कंपनियों के शेयर्स के अंदर जैसे इक्विटी, डेट, गोल्ड, इन चीज़ों में उनका इन्वेस्टमेंट होगा। वहां से जो आपको रिटर्न मिलेगा वो आपका रिटर्न्स होगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ SIP स्टार्ट करके छोड़ देना है, पर मंथ आपके अकाउंट से डिडक्शन होता रहेगा और आने वाले समय के हिसाब में आपको एक अच्छा रिटर्न्स मिल जाएगा। अगर आपको ज़्यादा मार्केट की नॉलेज नहीं है तो SIP ही बेस्ट ऑप्शन है जिसके अंदर आप अपना SIP स्टार्ट करके इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन से टॉप 5 ऐसे म्यूचुअल फंड SIP प्लान्स हैं जिसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। अभी में इन लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन सेफ जोन के साथ में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको ऐसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी मिलेगी, ताकि आपका पैसा के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पर बिल्कुल ही रिस्क ना हो। क्योंकि SIP अलग अलग कैटेगरी के अंदर काम करता है जिसके अंदर सबसे सेफ जोन कैटेगरी होती है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो लार्ज कैप में होगा। मान लीजिए कि आपकी एज अभी 20 ईयर की है और 60 साल में आपको अप्रोक्स 1.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस चाहिए और उसके लिए आप आज से प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो सिर्फ आपको 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप 500 रुपये पर महीने के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं दिए गए पांचों फंड के अंदर तो यहाँ पर आपको 60 ईयर की जब आपकी एज होगी तो उस समय आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा अप्रॉक्स 1,57,01,878 रुपये का मिलेगा, जिसमें कि अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो सिर्फ 15% का आपका रिटर्न्स होगा और 40 ईयर के टेन्योर के साथ में 500 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये रिटर्न आपका बन रहा है। ओवरऑल अगर आपके इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको जो 40 साल के टेन्योर के बीच में सिर्फ 2,40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन जो रिटर्न्स है उसमें अच्छा खासा रिटर्न्स आपको मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहला फंड है SBI ब्लू चिप फंड, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड,
थर्ड है HDFC इंडेक्स निफ्टी 50 फंड, और फोर्थ है ICICI प्रोडेंशियल S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड और ICICI प्रोडेंशियल ब्लू चिप फंड इंस्टीट्यूशनल। तो दोस्तों अगर आप ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न्स मिलने वाला है। तो दोस्तों अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट्स करके बताइएगा, साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में आप शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।